नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं महामाया एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर में। आपको बता दें कि 46 छात्र को परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। ये 2021 बैच के छात्र हैं। सोमवार को 6 बच्चे बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाए गए थे। उनके साथी छात्रों ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। देर रात उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि लंबे समय से यहाँ के मेडिकल के छात्र अवैध वसूली का विरोध कर रहे हैं, जिसकी शिकायत जिला स्तरीय और प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में भी की गई है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक अवैध वसूली और उत्पीड़न की जांच कर रहे थे। और इसी बीच हम आपको बता दें कि डीजी यहां पर लखनऊ से जांच करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि इनको बीते दिनों ही आना था रितु जी को, लेकिन आज ये पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें सबसे बड़ी बात है 46 बच्चे जो मेडिकल के छात्र हैं, ये इंटर के छात्र नहीं हैं। आपको बता दें प्राचार्य के द्वारा यह आरोप मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर लगाया गया कि ये अनुपस्थित रहे। सबसे बड़ा सवाल है कि प्राचार्य के द्वारा जब ये चीज़ें सामने आ रही थी, क्या अभिभावकों को बताया गया? ये बड़ा सवाल है। 46 बच्चे लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। बायोमेट्रिक हाजिरी होती है। आपको बता दें कि छात्र, ये ऐसी व्यवस्था होती है कि छात्र जो है खुद अपनी हाजिरी भरे। बायोमेट्रिक हाजिरी में कहीं से घोटाला नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा सवाल है। डीजी आ जाए हुए हैं, इसी सब बिंदुओं पर जांच करेंगे। 46 बच्चे वो हैं जो 2021 के बच्चे हैं, जिनका भविष्य अंधकार में हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है, शिक्षक मंगलवार को इमरजेंसी वार्ड नहीं चल सके, आज भी वही स्थिति बनी हुई थी। अभी करीब 1:20 पर डीजी आए हुए हैं रितु जी, और वो प्राचार्य के प्रशासनिक भवन में मौजूद हैं। अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे किन बिंदुओं पर उनकी जांच हुई। वो जांच करने प्रदेश से आई हुई हैं। एडिशनल एसपी अपर जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। 4 थानों की फोर्स यहाँ मौजूद है। एसडीएम और सीओ यहाँ मौजूद हैं। 3 दिनों से तहसील प्रशासन यहाँ पर डेरा जमाया हुआ है। फायर विकेट की गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। कुल मिला जुलाकर प्रशासन चौकन्ना है किसी भी विभिन्न परिस्थितियों को से निपटने के लिए। सहयोगी अमित मौर्य के साथ इसमें जो जो बातें सामने आई हैं सभी का मैंने संज्ञान लिया है। उन सभी की समुचित कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। मैडम, एक आरोप ये भी लग रहा है कि यहाँ पर JR नियुक्ति में और डिमोन्स्ट्रेटर नियुक्ति में मानक का ध्यान नहीं रखा गया। बात आई है उसमें कि जो कुछ इश्यूज हैं उसमें भी, उसका भी सारा डिटेल्स मैंने लिए हैं। इनका हम एग्जामिन करके उनका जवाब रोशन भाई, आईडी थोड़ा नीचे करा। मैडम, मेडिकल कॉलेज में आगमन हुआ क्या उद्देश्य? मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे कुछ समस्या चल रही थी, स्टूडेंट्स की कुछ उसमें क्लासेस नहीं करने जैसी बात पता चली थी, और उसमें कुछ सामने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें कि यहाँ पर लगातार अनरेस्ट कुछ बना हुआ है। उसके विषय में जाँच करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर आई थी। स्टूडेंट से भी और टीचर्स से भी, फैकल्टी से भी, प्रिंसिपल से भी, प्रशासन के अधिकारियों से भी, रूम साहब से सभी से मेरी चर्चा हुई है। उसमें भी बातें आई हैं उनके संबंध में, जो इश्यूज पता चले हैं उनके संबंध में समुचित कार्रवाई किया जाना है, और उसको जो समस्याएं हैं उनको समझ किया जाना है। मैडम, छात्राओं ने आरोप लगाया था DM साहब को पत्र भेजकर कि उनका पिछली हरा Thank you.